लालची ब्रिक स्टाउ चिकन वाला इन फ्लड्स। विराजपुर के गांव में हार्दिक कहकर एक आदमी चिकन बिरयानी बेचता रहता था। एक दिन उनके पास उनका अनुगामी जुम्बो आया। तब हार्दिक से, जुम्बो भैया आज से तुम्हारा ये दुकान बंद करना पड़ेगा, गांव में तुम्हारे ऊपर बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। खराब हुआ बिरयानी बनाकर बेच रहे हो कह रहे हैं, अच्छे से सोच लो, क्योंकि फूड अधिकारियों को कंप्लेंट भी दिए हैं। कहा तब हार्दिक, ये कौन सा बुरा जमाना है, थोड़ा सा भी जालसाजी करने नहीं देंगे क्या? छी छी, मैं तो 1 किलो चिकन में आधा किलो मरा हुआ चिकन और सड़ा हुआ चिकन मिलाता हूँ, इसके लिए भी एडजस्ट नहीं होंगे तो कैसा होगा रे? छी, अब क्या कर सकते हैं, अब से पूरा अच्छा क्वालिटी वाला चिकन से ही बनाना पड़ेगा, सब मेरा बदनसीब है। कहकर अगले दिन से हार्दिक लोगों को अच्छा क्वालिटी वाला बिरयानी बनाकर बेचना शुरू किया। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद हार्दिक के पास जुम्बो आया। जुम्बो, भैया भैया हमें तुरंत गांव छोड़कर भागना है, ऊपर का बांध टूट गया है, तुम जल्दी भाभी जी को और बच्चों को लेकर आ जाओ, चले जाएंगे, ऐसे ही गांव वालों से भी कहना है, चलो। कहा तब हार्दिक, अरे छोटे भाई इतना घबराते क्यों हो, परसों को ही भाभी और बच्चों को उनके मायके भेज दिया था, क्योंकि वो बांध से पानी लीक होते हुए परसों को ही मैंने देखा था, जैसे भी गांव डूब जाएगा तो लोगों को जरूरी है कहकर मरा हुआ मुर्गियों को तैयार करके रखा हूँ बिरयानी बनाने के लिए, यही सही समय है, लोगों को लौटना है। कहा तब जुम्बो, भैया तो फिर बांध के लीकेज के बारे में मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया है? पूछा तब हार्दिक, अरे अगर तुम्हें पहले ही बताया तो तुम्हारे फैमिली का बिरयानी का ऑर्डर नहीं मिलेगा ना, लेकिन एक बात है कि तुम्हें 10 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ। कहने से जुम्बो को बहुत गुस्सा आकर उधर से चला गया। कुछ देर के बाद बांध से पानी बहकर गाँव में आने से गाँव पूरा पानी से भर गया। बेचारे कुछ लोग तैरते हुए उनका सामान से और बच्चों को लेकर उसी पानी में से किनारे पहुंचने के लिए बहुत तकलीफ ले रहे थे। वो देखकर हार्दिक एक बांस का नाव में एक ब्रिक स्टाउ लगाकर उसमें बिरयानी बनाते हुए लोगों के बीच में आया। तब लोगों से हार्दिक, आ रहा हूँ, बिरयानी का खुशबू आ रहा है ना, आइए आइए लोग, आपके लिए ही बहुत मेहनत से पकाया, आइए आकर अच्छे से खाइए। कहा तब गांव में एक आदमी, अरे तुम इंसान हो या गधे, लोग इतना मुश्किल से पानी में है तो तुम नाव लगाकर बिरयानी बेचते हो, बेशरम कहीं का। कहा तब हार्दिक, अरे ओ भैया ऐसा गुस्सा मत करो, आपके लिए ही बिरयानी बनाया हूँ, बच्चों को बहुत भूख लगता होगा, उनको खिलाओ भैया, पैसे नहीं दिया तो भी कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे हाथ में अंगूठा हो या फिर तुम्हारे पत्नी के गले में सोने का हार हो, कुछ भी देगा तो लेता हूँ और एडजस्ट हो जाता हूँ। कहा उनके बातों पर गुस्सा आकर लोगों से जुम्बो, ये हार्दिक कहीके को पहले से ही बांध से पानी लीक हो रहा है कहकर पता है, फिर भी हमें बताया बिना बिरयानी बेचने के लिए ड्रामा कर रहा है, लेकिन उनका परिवार को तो गांव से कब का बेच दिया है। कहा तब सब लोग उनके नाव के पास आकर उसे पानी में खींचकर बहुत जोर से पिटाई किए। तब हार्दिक उधर से भाग गया।